नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। गुजरात चुनाव से पहले बुरे फंसे हार्दिक पटेल, कथित तौर पर युवती के साथ एक और सीडी सामने आई। पटेल ने कहा, गंदी राजनीति की शुरुआत। माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम की मुंबई में 3 संपत्तियां नीलाम, 11.5 करोड़ रुपए कीमत मिलने की खबर। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा, जनभावनाओं को देखते हुए पद्मावती को रिलीज नहीं करना चाहिए। फिलीपींस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, शांति के लिए हिंदुस्तानियों ने दी है लाखों कुर्बानियां। दिल्ली सरकार की सम विषम योजना, दुपहिया वाहन चालक महिलाओं को भी नहीं मिलेगी राहत। एनजीटी ने सरकार को फटकारा, सरकार ने याचिका वापस ली। अयोध्या विवाद सुलझाने की मुहिम में तेजी आई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे श्री श्री रवि शंकर। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत की विकास परियोजनाओं का हिस्सा है बुलेट ट्रेन। रोहतक की सुनारिया जेल से जमानत पर बाहर आए कैदी राहुल ने कहा, जेल में राम रहीम को मिल रही हैं वीआईपी सुविधाएं। नोटों पर लगी गांधी की फोटो से महात्मा शब्द हटाने संबंधी याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट ने लगाया 10,000 रुपए का जुर्माना। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में मुठभेड़, एक जवान शहीद, एक आतंकवादी भी मारा गया। महंगी हुई सब्जियां, थोक मुद्रास्फीति 6 माह के उच्चतम स्तर पर। व्हाइट हाउस ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप के शासन में भारत अमेरिकी रिश्ते हो रहे हैं मजबूत। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों ने पुलिस चौकियों पर किया हमला, 22 पुलिस वालों की मौत। देश छोड़ रहा था उत्तर कोरियाई सैनिक, सेना ने गोलियों से भून डाला। ये थी आज की खास खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।